फ्रेंड्स, आज आप सबको बताने वाले हैं कि आप अपने जमीन को अपने मोबाइल से कैसे देख सकते हैं। मोबाइल से कोई ज़रूरत नहीं है किसी कंप्यूटर लैपटॉप वाले के पास जाने, कोई दुकान शॉप में जा कर के आप 50-100 रुपया देते हैं और अपना जो है कि लेंस का पूरा डिटेल देखते हैं। तो आज से आप अपने मोबाइल में ज़मीन का डिटेल्स देख सकते हैं। बस आप इस वीडियो को अपन तक देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए और यहाँ पर जाइएगा तो इसको जो सबसे पहले आप लाइक कर दिया, लाइक करने के बाद यहाँ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब को इस तरह से क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारा कोई भी न्यू वीडियो आ गया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो इससे आपका कुछ नहीं जाता, बस हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो आपको गूगल में चलाना है, गूगल क्रोम या गूगल आप इस तरह से खोल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा लैंड रिकॉर्ड बिहार। सबसे ऊपर वाला जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन होगा और आप देख लीजिए, ओपन होने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है जमाबंदी पंजी। देखिए, आप यदि अपनी ज़मीन के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ सबसे ऊपर जो है थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर दीजिए। डेस्कटॉप साइट करने से ये होता है कि आपका जो है कि मोबाइल आपका कंप्यूटर और लैपटॉप के जैसा खुलेगा। यहाँ देख लीजिए आपका ज़मीन देखना है यदि कि आपको किसके नाम से है, तो यहाँ देखिए जमाबंदी पंजी देखे पे क्लिक करना है। जमाबंदी पंजी देखे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है कि जिला वगैरह आ जाएगा, वो यहाँ पर उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिला सिलेक्ट करने के बाद जो एरिया मैप है वो एरिया यहाँ पे आएगा, वो एरिया आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर वो एरिया यहाँ पर रानीगंज, तो वो क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए खाता नंबर नाम वगैरह डाल के आप भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ज़िला का नाम वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो ज़िला वगैरह में है, अंचल नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका हल्का नाम जो भी आपका पंचायत वगैरह है उस। तो फिर यहाँ पे पंचायत क्लिक करेंगे आप। अपना पंचायत क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको आ जाएगा, नाम से भी आप खोज सकते हैं, प्लांट नंबर से भी। तो इसलिए यहाँ मांग रहा खाता नंबर से खोले, तो खाता नंबर यहाँ दे करके हम देखे सर्च करके एक यहाँ पे आप खोले हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो है आपका डिटेल्स वगैरह सब आ जाएगा। चलिए देखिए हम यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह खोल के दिखाते हैं। इस तरह से आपको लिए किसी का भी नाम और उसका जो है कि फादर्स नाम भी आपको आ जाएगा। चलिए यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से देखे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका पूरा डिटेल्स वगैरह सब आ जाएगा। आप यहाँ पर इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में बड़ा करके भी देख सकते हैं, उसके बाद इस तरह से बढ़ा छोटा करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रिंटर से यहाँ पे इस तरह से क्लिक कीजिएगा और ये जो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये आप आराम से डाउनलोड करके डाउनलोड या पीडीएफ पे दबाइए, पीडीएफ हो जाएगा। उसके बाद अपने फाइल में लोड करके आप आराम से रख सकते हैं और जाइए किसी भी कंप्यूटर वाले के पास 10% दीजिएगा, 5% आपका ये निकाल देगा। तो आप लंबे खर्चे से भी बच जाइएगा और अपने मोबाइल से किसी का भी मतलब ज़मीन का आप जो है कि देख सकते हैं किसके नाम से है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टिल देन बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।